क्या करण जौहर की स्मार्टनेस उन्हें भारी पड़ रही है? क्या करण जौहर, जो अक्सर अपनी फिल्मों में हर चीज़ को लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं, अब्रॉड में शूट्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स, हाई एंड मेकअप, फैशन, सब कुछ करण अपनी फिल्मों में दिखाते हैं, कहानी हो ना हो, लेकिन उनकी फिल्मों में ये सब तो होता ही है। क्या अपनी इसी आदत के कारण अब करण जौहर को अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बंद करना पड़ा है? क्या वो फिल्म जिस पर करण जौहर सालों से काम कर रहे थे वो उनकी इसी स्मार्टनेस के कारण अब बंद डिब्बा हो गई है? वैसे ऐसी ही खबर सामने आ रही है। तख्त फिल्म, जिसकी तैयारी करण जौहर कब से ही कर रहे थे, पीरियड ड्रामा बना रहे थे और इस फिल्म में फॉक्स स्टार पैसा लगाने वाली थी, लेकिन पहले ही जब करण ने कलंक फिल्म बनाई, जो कि उन्होंने पीरियड फिल्म की तरह ही बनाने की कोशिश की और उसको भी लार्जर देन लाइफ दिखाया, उस फिल्म में फैशन रखा था, मेकअप अच्छा था, कॉस्ट्यूम्स अच्छे थे, लेकिन फिल्म की कहानी किसी को पसंद ही नहीं आई। कलंक फिल्म देखकर ही लोगों को लग गया कि तख्त में तो क्या ही होने वाला है। यही कारण है कि फॉक्स स्टार ने तख्त फिल्म से अपने हाथ ही खींच लिए। ऐसे में करण जौहर का ये जो प्रोजेक्ट, जो कि एक पीरियड ड्रामा था, मेगा बजट के साथ इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था, वो प्रोजेक्ट फॉक्स स्टार के इंडिया से जाने के बाद अटक गया था। कहा जा रहा था कि करण जौहर अपनी इस फिल्म के लिए अब एक नया फाइनेंसर तलाश रहे हैं। कभी लाइका प्रोडक्शंस के साथ बातचीत की रिपोर्ट सामने आई तो कभी कहा गया कि रिलायंस भी इस प्रोजेक्ट को बना सकता है, लेकिन अब खबर आई है कि तख्त को करण ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। जहां पहली प्रॉब्लम पैसों की है, वहीं दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो कहानी है थोड़ी विवादित थी। मुगल साम्राज्य पर ये कहानी थी और कहा जा रहा था कि इतना बजट लगाने के बाद अगर फिल्म पर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई और किसी भी तरीके से फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया या फिर कुछ भी बवाल उठता है तो फिर काफी नुकसान होगा। यही कारण है कि करण और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। कलंक फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनका दिमाग इस तरीके से ठिकाने आया कि उन्होंने इस पीरियड ड्रामा को नहीं बनाने का फैसला लिया और फिर से बैक टू बेसिक आ गए, यानी कि वही चीज करने लगे जिसमें उन्होंने अब तक सक्सेस पाई है, लव स्टोरीज और रोमांटिक फिल्मों में। करण जौहर ने तख्त के लिए रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की डेट्स ऑलरेडी ले ली थी, लेकिन अब जब ये फिल्म बन ही नहीं रही है तो ऐसे में करण जौहर रणवीर सिंह और आलिया से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं। वो इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स से बना के रखते हैं। ये हम सब जानते हैं कि करण जौहर की जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें हमेशा टॉप और ए लिस्टर स्टार्स ही रहे हैं। कभी भी किसी स्ट्रगलर के साथ तो करण नज़र ही नहीं आए हैं और ना ही अपने शो में किसी छोटे एक्टर को करण बुलाते हैं, और अगर कोई जाना भी चाहे तो करण मना कर देते हैं। शायद यही उनके काम करने का तरीका है। तो ऐसे में रणवीर सिंह, जो कि टॉप के एक्टर हैं, और आलिया भट्ट, जो टॉप एक्ट्रेस हैं जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी खासी है, उनके साथ करण अपने रिश्ते नहीं ख़राब करते हुए उन्हें लेकर अब एक दूसरी फिल्म बना रहे हैं। रोमांटिक लव स्टोरी है ये, जिसके अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों पहले करण जौहर ने की। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, इनफैक्ट इस फिल्म को खुद करण जौहर डायरेक्ट करने वाले हैं। इससे पहले करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल डायरेक्ट की थी। मल्टी स्टार कास्ट वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी।